आटा गूंदने की मशीन है, कुकर है ये चावल लगाने का, इसमें कड़ी है। जगन्नाथ रसोई में खाना मिलता है, उसके थ्रू आप यहाँ पे आए हैं, पूरी कंप्लीट हमें मिल गई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन, राधे राधे आप सभी को। और आज हम लेके आए आपको ऐसी जगह जो हर कोई जानना चाहता है, हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि अगर हम वृंदावन आए कहाँ ठहरे कहाँ खाएं, जिनका बजट नहीं होता, सस्ते से सस्ते में वृंदावन घूमना चाहते हैं, तो उनके लिए आज हम लेके आए ये व्लॉग, जिसमें आपको मिल रहा है 20 रुपीज़ में अनलिमिटेड खाना, अनलिमिटेड 20 रुपीज़ में, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, दाल चावल सब्जी रोटी मीठा सब कुछ। जो थाली आप बाहर होटल से खाएंगे, डिलक्स थाली होती, वो आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ में मिल रही है। देखिए मेरे पीछे है श्री जगन्नाथ रसोई, आइए इसके अंदर आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं सब, यहाँ के बारे में आपको बताते हैं, जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी सब कुछ। तो अभी हम अंदर एंटर कर गए हैं, देखिए सामने लिखा हुआ है श्री जगन्नाथ रसोई, और यहाँ पे ये है काउंटर, एंटर करते ही आपको ये काउंटर मिल जाएगा, एंट्रेंस है, यहाँ से आप टोकन ले सकते हैं 20 रुपीज़ में, और टोकन लेके आपको जो ये भीड़ दिखाई दे रही है, सब खड़े हुए हैं खाने के लिए, खाने की लाइन में, आप टोकन दिखाइए और वहाँ थालियाँ रखी होती थाली लीजिए, उसमें आपको खाना सर्व कर दिया जाता है बहुत ही अच्छी तरीके से। और यहाँ देखो लगा भी हुआ है, चाय अगर आप लेते हैं 10 रुपीज़, कॉफ़ी लेते हैं 20 रुपीज़, जो सुबह और शाम मिलती है उसका टाइम होता है। और अभी जो यहाँ पे लोग लाइन में खड़े हुए हैं, ये दोपहर का टाइम है, तो लंच के लिए खड़े हुए हैं, और अभी एक्चुअली एकदम भीड़ हो गई है, ये देखिए आप सामने देख रहे हैं, लोग बैठ के खा रहे हैं, और मात्र 20 रुपीज़ में, जैसे मैंने आपको बताया 20 रुपीज़ में आपको खाना मिलता है। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे कि क्या क्या खाने मिलता है, क्या वैरायटी होती है, क्वालिटी सबसे ज़रूरी बात है, क्वालिटी, क्योंकि बाहर आप जाते हैं अगर ऑर्डर करते हैं थाली, नॉर्मली डिलक्स थाली, तो आपको कम से कम 299 या 399 की पड़ती है, जो आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ की मिल रही है। तो अभी हम आगे जाएंगे, बात करेंगे यहाँ के जो ओनर है, जो यहाँ संभालते हैं यहाँ का मैनेजमेंट वगैरह सबसे, और आज क्या खाने में है, खाना कैसा है, खाने की क्वालिटी है, सबके बारे में। यह खाना खाने के बाद आपको अपनी थाली खुद धोनी होगी, लिखा भी हुआ है कि अपनी थाली पानी से साफ करके रखिए, यहाँ पे बना हुआ है बड़ा नीट एंड क्लीन, साफ तरीके से बना हुआ है, आप आइए खाइए और अपना प्लेट धो के आपको खुद रखनी होगी। यहाँ सर्फ वगैरह का पानी सब दिया हुआ है, और सामने एक बकेट भी रखी है जिसमें अगर आप खाना नहीं खा पा रहे हो, जो भी आपका बचा कुचा है वो आप उस बकेट में डाल दो, ये सामने ही बकेट है, इसमें आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं आप उतना ही लो जितना आप खा सकते हो। एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ लिखा हुआ है कि थाली में जूठा छोड़ने पे 50 रुपये जुर्माना लगेगा। देखिए कितनी अच्छी चीज़ है कि मतलब यहाँ खाना आपको 20 रुपीज़ में मिल रहा है अनलिमिटेड, और उसमें भी अगर आप छोड़ते हैं तो आपको 50 रुपीज़ जुर्माना देना होगा, क्योंकि बहुत सही चीज़ है, अगर 20 रुपीज़ में आपको कोई सेवा कर रहा है दे रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप खाने को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। जैसे आपको पता है हम है श्री जगन्नाथ रसोई, हमने आपको सारा दिखा दिया, बाहर कहाँ लोग बैठ के खा रहे हैं, कहाँ से आपको टोकन लेना है, कहाँ से आपको खाना मिलेगा, सारी चीज़ें हमने आपको दिखा दी। अब आपको लेके चलते हैं अंदर, जहाँ खाना पूरा तैयार किया जाता है, और यहाँ लिखा है नो एंट्री ओनली फॉर स्टाफ, स्टाफ ही जा सकता है, बाकी अंदर कोई नहीं जा सकता, बट हम शूट के पर्पज से आए इसलिए हमें परमिशन मिल गई है, तो आपको भी लेकर चलते हैं अपने साथ अंदर। जैसे हम अंदर आए हैं, आते ही हमें मिल गए भैया, भैया यहाँ पूरी देख रेख करते हैं, तो भैया से हम यहाँ के बारे में जानते हैं। भैया सबसे पहले आप मुझे ये बताइए यहाँ के बारे में, खाना कैसे तैयार होता है? हाँ जी, यहाँ पे मतलब ये है कि 20 रुपए की थाली है, और उसमें एक मीठा होता है, चावल होते हैं, दो तरह की सब्जी होती है और दाल होती है। अच्छा अच्छा, और ये परफेक्ट भोजन दिया कि खिलाया गया, अनलिमिटेड है 20 रुपीज़ अनलिमिटेड 20 जैसे। अच्छा अच्छा, तो आज खाने में क्या क्या है आप बता पाएंगे? हाँ, इसमें मतलब हलवा है, चावल है, और आलू गोभी की सब्जी है, और मटर की दाल है, और कढ़ी है।
अच्छा अच्छा, और इसका टाइमिंग क्या है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं मतलब टाइमिंग क्या है कि 24/7 रहता है या दोपहर? ये सुबह है, इसमें मतलब 10:30 से और 1-1.5 बजे तक का टाइम होता है। 1:30 बजे तक का टाइम होता है। अच्छा अच्छा, फिर शाम को 6:30 से 8:30 का टाइम, 8:30 का टाइम होता है, मॉर्निंग में नहीं होता? हाँ जी, मतलब मॉर्निंग में नहीं, दोपहर और हाँ बंद शाम को और सुबह। तो ये खाना जब तैयार किया जाता है तो आप लोग ही सब मिलकर तैयार करते हैं या बाहर से कोई लोग आके सेवा करना चाहे वो कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, नाम क्या लेते हैं भैया? मेरा नाम राजकुमार है। आप मतलब वृंदावन से ही है या बाहर से? मैं आगरा का रहने वाला हूँ। अच्छा, और यहाँ पे मैं तो रसोई में जैसे खाना बनाता हूँ। अच्छा अच्छा, तो कब से आप यहाँ पे हैं? मुझे करीब 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने हो गए। हाँ जी, तो जैसे ये सारा मैं देख रही हूँ खाना तैयार होता है, खाना कैसे तैयार होता है? गैस पे होता है, चूल्हे पे होता है, मशीन पे होता है, कैसे होता है? ऐसा है, इधर आइए मैं आपको जैसे बताता हूँ। इसमें आटा डाला जाता है, इसमें आटा जैसे गूंथता है, आटा गूंदने की मशीन है ये। अच्छा, गूंदने की मशीन? हाँ, आटा गूंदने की मशीन है ये, आटा गूंदने की मशीन है। इसमें आटा डालते हैं और पानी डाल के उसी में अपने आप जैसे चालू हो जाता है। इसमें आटा डाल के इसमें लोई बनता है। अच्छा, रोटी का। और इसके बाद में इस पर रोटी सिक करके कम्प्लीट होके जैसे निकलता है। अच्छा अच्छा, अपने आप बिल भी जाती है ना? नहीं, अपने आप बिल के कंप्लीट होके जाती है। अच्छा अच्छा, और ये सामने एक मशीन है, ये भैया मशीन? ये भी रोटी का मशीन है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, वो भी पल्ली वाली भी रोटी की मशीन है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जैसे भैया ने हमें दिखाया है सारा काम मशीनों से होता है, पूरा खाना तैयार किया जाता है। रोटी की एक नहीं दो नहीं पूरी तीन मशीन है। तीन मशीन, जैसे अगर ज्यादा लोग हो जाए, भीड़ हो जाए तो जल्दी ये बड़ी मशीन चलाते हैं। अभी कम लोग हैं तो छोटी मशीन पे काम, छोटी मशीन का इस्तेमाल। और ये सब्जियां वगैरह ये सब बाहर गैस पे तैयार? हाँ, ये इधर जैसे आपको मैं बताता हूँ, ये रसोई है। अच्छा, इसमें चावल जैसे बनता है, कुकर है ये, चावल लगाने का, सब्जी वगैरह भी इसी में जैसे बॉईल हो जाती है। हाँ, बॉईल की जाती है। अच्छा अच्छा, इधर मतलब ये खाना जैसे बनता है जो भट्टियों पे सब्जियां? हाँ हाँ, भट्टियों पे ही जैसे बनता है। इसमें कढ़ी जैसे बनता है, पालक की इसमें कढ़ी है, और ये जो इसमें सब्जी है आलू गोभी का, ये मतलब पार्सल करने की मशीन है, पैक किया जाता है खाना। अच्छा अच्छा, हाँ जैसे कोई भी यात्री जैसे आता है जैसे, तो इसमें हम आप पार्सल करके जैसे देते हैं। ये है, इसमें एक मीठा आ जाता है, हलवा हो कि बूंदी हो, कोई भी हो जैसे मीठा जैसे चलता है। सब्जी, दो सब्जी होती है, दाल होती है, चावल होते हैं, और रोटी जैसे दिया जाता है। तो इसका प्राइस भी 20 रुपीज ही रहता है? नहीं, इसका 40 रुपए। 40 रुपए पार्सल, हाँ पैकिंग का 40 रुपए होता है। ओके, अगर आप यहाँ से खाना जाना चाहो, हाँ खाना 20 रुपीज में तो यहाँ मिलता है, तो पैकिंग वगैरह का चार्ज ने बहुत अच्छे से बताया कैसे खाना तैयार होता है। रोटियां मशीन में तैयार होती है, चावल भी इवन मशीन में तैयार होते हैं, बाहर भट्टियों पर सब्जियां तैयार होती है, और बिल्कुल सात्विक भोजन मिलता है यहाँ। और अभी हम यहाँ से खाना लेकर ट्राई भी करेंगे, आपको बताएंगे खाना कैसा है, और क्योंकि ट्राई करके ही बताना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ के ओनर से भी बात करने की कोशिश करेंगे, अगर ओनर मिलते हैं हमें, उनसे जानेंगे यहाँ के बारे में कैसे ये कॉन्सेप्ट उन्होंने स्टार्ट किया, कैसे उनके दिमाग में आया 20 रुपीज उन्होंने थाली स्टार्ट करनी चाहिए। सारी बातें हम आगे करेंगे, पहले ले लेते हैं हम थाली, उसे टेस्ट करके बताते हैं। यहाँ मैंने पूरी थाली ले ली है, 20 रुपीज़ की हमारी कंप्लीट थाली है। और यहाँ मेरा एक्चुअली स्पीकर ऑन नहीं था तो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो कढ़ी, दाल, आलू गोभी, सब्जी, चावल मैं आपको बता दूँ, इसके अलावा हलवा और आलू मेथी की सब्जी और थी जो कि ख़त्म हो गई थी क्योंकि हम लेट थे और 1:30 बजे ये बंद हो जाता है, तो ऑलरेडी 1:30 बज चुके हैं।
तो ये है मेरी पूरी कंप्लीट थाली जिसमें कड़ी, दाल, आलू गोभी, सब्जी, चावल और रोटी मिली है। जैसा मैंने बताया कि हलवा और एक सब्जी ख़त्म हो गई है, और ये आपकी कंप्लीट थाली है सिर्फ़ और सिर्फ 20 रुपीज़ में। थाली हमने ले ली है, अब हम आपको थाली टेस्ट करके बताएंगे। 20 रुपीज़ में तो थाली है, चलो 20 रुपीज़ में मिल रही है, लेकिन सब लोगों को मेन जो होता है टेस्ट बहुत मैटर करता है। तो 20 रुपये की थाली का टेस्ट कैसा है, यह हम आपको अभी टेस्ट करेंगे, फिर आपको एक एक चीज़ बताएंगे कि सबका जो है स्वाद कैसा है। हमने तो अपनी थाली ले ली है, पास में हमें भैया मिले। भैया आप खाना खा चुके हैं, तो खाना कैसा था आप बताओ? बहुत अच्छा, बहुत सात्विक भोजन है, बहुत सात्विक। आप हर बार आते यहीं खाते हैं? फर्स्ट टाइम आपका एक्सपीरियंस कैसा? बहुत अच्छा सात्विक। नेक्स्ट टाइम आप आना चाहोगे? बिल्कुल। नाम बताइए और कहाँ से आए आप ये बताइए। मेरा नाम संजय तिवारी है, मैं ग्वालियर से आया हूँ। और यहाँ मुझे यूट्यूब में मैंने देखा था कि यहाँ पर है, तो मैं उसके जरिए। अच्छा, जैसे भैया बता रहे हैं, भैया भी यूट्यूब में ही देख के आए हैं कि यहाँ पे 20 रुपीज का जगन्नाथ रसोई में खाना मिलता है, उसके थ्रू आप यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा भैया, राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। 20 रुपीज में ये थाली पूरी कम्प्लीट हमें मिल गई है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कड़ी से। कड़ी तो हम सबकी फेवरेट है, कड़ी का टेस्ट वाकई बहुत अच्छा है। अब ट्राई करते हैं नेक्स्ट सब्जी जो है आलू गोभी की। आलू गोभी की सब्जी का भी टेस्ट ठीक है, नॉर्मल है, जैसे हम लोग घर में बनाते हैं। और देखिए आप बाहर जाए, अगर आपको होटल में खाना है, होटल वाला टेस्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ तो आपको घर जैसा टेस्ट बिल्कुल मिलेगा। अगर आप घर जैसा खाना खाना चाहते हैं तो ये 20 रुपीज़ की थाली आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। जैसे हमने आपको सब दिखाया श्री जगन्नाथ रसोई में, रसोई के जो मालिक है उनसे भी बात, जो रसोईया संभालते हैं उनसे भी हमने बातचीत कराई, उन्होंने पूरा हमें दिखाया। अभी तो खैर बंद होने का टाइम हो गया, 1:30 बज गए हैं, तो मैम आ गई हैं। मैम यहाँ पूरा मैनेजमेंट देखती है, पूरा मैनेजमेंट यहाँ का मैम ही संभालती है। तो मैम सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हैं? राधे राधे। मैं राधे राधे, हाँ मैं वैसे तो भोपाल से हूँ, लेकिन काफी टाइम हो गया, मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए जी वृंदावन। तो भोपाल से वृंदावन कैसे आना हुआ आपका? जी श्री राधा रानी की इच्छा, उन्होंने बुलाया तो आ गए। अच्छा मैम, जैसे आप यहाँ पूरा मैनेजमेंट संभालती है, हाँ। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, जैसे 20 रुपीज थाली, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये तो एक सेवा के तौर पे खोला गया है। अच्छा। इसको 2 साल हो गए, जब स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट किया गया था। अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं था कि इसको हम इस तरह से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ठीक है, उस वक्त 20 रुपए में आपको सिर्फ इडली और 2 इडली और सांभर दिया जाता था। अच्छा, अच्छा। फिर इसी तरह कुछ ट्रस्टियों ने सोच समझ के ये फैसला किया कि नहीं, इतने में आदमी का पेट नहीं भर पाता, इसलिए ऐसी निरंतर सेवाएं बढ़ रही हैं, दान आता है। तो मतलब ट्रस्ट के साथ साथ जो लोग दान करते हैं, सेवा कर देते हैं, जैसे आप लोगों से जो पेमेंट लिया जाता है, वो आप सोचिए कि मतलब ये कोई काम भी नहीं है किसी तरह का, कोई हम लोग सिर्फ 20 रुपए में सेवा दे रहे हैं, तो 20 रुपए जो है वो आपका दान में जाता है। उसके लिए गाय माता के लिए, चारे के लिए, मंदिर में कहीं भी सेवा में होता है। तो ये पूरा आपको ये मतलब चलाते हुए 2 साल हो गए? 2 साल। अच्छा, इसको 2 साल हो चुका है। 2 साल हो गए। हाँ, बाकी आप लोगों ने देखा कि कैसे मशीन से रोटियां बनती हैं, प्रसादी आपने पाई होगी, वो भी आपने देखा होगा कि प्रसाद में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, अच्छा शुद्ध शाकाहारी ही रहता है वो, बिल्कुल किसी भी तरह का ना प्याज होता है ना कुछ होता है, वृंदावन में तो ये सब चलता ही नहीं। तो एक चीज, लगभग कितने दिन में, एक दिन में कितने लोग मतलब खा लेते हो? यहाँ पर कम से कम 300-400 आदमी। 300-400 आदमी सुबह में, एक टाइम में। हाँ, और ये शाम को भी चलता है ना? शाम को भी चलता है, शाम को चलता है, शाम को जाते हैं 200-300 आदमी। ओके, तो जैसे मैम से हमने बात की, मैम ने यहाँ के बारे में बताया कि 2 साल हो गए हैं और 2 साल से ये रसोई ऐसे ही चल रही है निरंतर, 20 रुपीज में आपको थाली मिलती है, 20 रुपीज में पेट भर के अनलिमिटेड खा सकते हैं, और ये सुबह सॉरी दोपहर और रात 2 टाइम चलता है, 2 टाइम आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं। टाइम एक चीज और, जैसे मैम
किसी को यहाँ आना हो, ठीक है, यहाँ का एड्रेस आप मेंशन कर दीजिए एक बार। हाँ हाँ, अगर जैसे आप वृंदावन आते हैं तो आप डायरेक्ट उल्टी परिक्रमा में आइएगा। अच्छा। उल्टी परिक्रमा में जगन्नाथ घाट, जगन्नाथ मंदिर है, 500 साल पुराना यहाँ पर मंदिर है, विराजमान है यहाँ पर जगन्नाथ जी, है ना। तो जब भी आप आइएगा उल्टी परिक्रमा में आइएगा, जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ घाट, या आता है सुदामा कुटी के पास। और जैसे मैम ने बताया, या केसी, अगर आप जगन्नाथ मंदिर आ जाते हैं केसी घाट के पास, आप किससे ही पूछ लीजिए, सुदामा कुटी के पास अगर आप पहुंच जाते हैं पूछ लीजिए, कोई भी आपको बता देगा जगन्नाथ रसोई का है। एक चीज और पूछना चाहूंगी मैम, यहाँ पे अगर कोई रुकना चाहे, हाँ, तो रुकने की व्यवस्था है यहाँ? बिल्कुल है। उसका प्राइस क्या है रुकने का? अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको दोनों चीजें, मतलब कई लोग होते हैं जो बाहर से आते हैं, सबसे पहले उनको प्रॉब्लम होती है रहने की प्लस खाने की, तो ये दोनों सुविधाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। जैसे अगर आप यहाँ रहते हैं मंदिर के अंदर, तो आपको प्रसादी भी मिलेगी और पास में गेस्ट हाउस है, उसमें आप रुक सकते हैं। अच्छा। जैसे नॉन एसी होता है 700 रुपए का, ओके ओके, है ना, और एसी वाला अगर होता है 1200 रुपए का होता है। अच्छा। ये है कि उसमें आपको सुविधा है, यही के यहाँ आपको प्रसादी भी मिल जाएगी, कहीं जाना नहीं। गेस्ट हाउस में टोटल कितने रूम होंगे? ये तो इतना तो जानकारी नहीं है, क्योंकि सामने रूम है मुझे, है ना, ये मंदिर का है वो बाहर में। मैम आपने बताया यहाँ पे लोग आके रुक भी सकते हैं, तो मतलब वो गेस्ट हाउस यहाँ से कितनी दूर है? 50 मीटर पे। 50 मीटर मतलब यही पास में। और जैसे कभी कभी होता है ना 3 लोग आ जाते हैं, हाँ, तो एक रूम में कितने लोग रुक सकते हैं? एक रूम में 4 आदमी रह सकते हैं, जो 600 रुपए वाला है। अच्छा, 600 रुपए। और जैसे आपने बताया एसी रूम है, एसी रूम में जैसे 2 लोग तो रह सकते हैं? एसी वाला बड़ा कमरा होता है जिसमें 5 से 6 आदमी तो होते हैं। 5 से 6 आदमी रह सकते हैं, ओके। तो जैसे मैम ने बताया एसी वाले रूम में 5 से 6 आदमी, और जो 600 वाला रूम है उसमें 4 से 5 आदमी आराम से रह सकते हैं। मैम से हमने बात की, मैम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, आप यहाँ अगर आप यहाँ रूम लेते हैं तो आपको प्रसादी फ्री में मिलेगी, है ना। प्रसादी के आपको 20 रुपीज नहीं देने, अगर आप सिर्फ प्रसादी पाने आ रहे हैं तो आपको 20 रुपीज पे कर, 20 रुपीज तो आपको इसलिए देना रहेंगे क्योंकि वो जो पैसा है वो आपके लिए दान के तौर पे। जैसे भगत लोग जो आते हैं वृंदावन के अंदर, तो सबसे पहली चीज होती है वो चाहते हैं कि हम जो प्रसादी ले रहे हैं उसमें किसी भी तरह का हमारा दान रहे, तो वही आपसे इसलिए 20 रुपए लिए जाते हैं। मैम आपसे बात करके अच्छा लगा। राधे राधे जी। राधे राधे।